हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं बहुत ही शुभ पौधा की बात करने जा रही हूँ। इसका नाम है अपराजिता और ये काफ़ी शुभ माना गया है हिंदू धर्म में। इसको ये भी लोग बोलते हैं कि कहीं जाने के समय अगर इसको हम देख कर जाएं तो कोई भी काम पूरा हो जाता है। और बहुत लोग इसका फ्लावर को भी साथ में ले जाते हैं, इसके पत्तियों को भी ले जाते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस बहुत लोग अपने गेट के पास लगाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं इसका। तो देखिए, मेरा ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मैं अपने ओवरव्यू में इसको दिखाई थी, बिल्कुल भी नहीं बचा था। और देखिए, अभी एक महीना पहले ग्रो हो गया है और धीरे धीरे मैं इसकी काफ़ी ख्याल रखी, तो ये देखिए आज इतना अच्छा फ्लावरिंग करने लगा। रोज़ एक दो फ्लावर ही इसमें आता था, लेकिन आज काफ़ी फूलों से भरा हुआ है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो देखिए, मैं आज इसका वीडियो बना रही हूँ। और देखिए, ये काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो मैं इसमें कौन सा मॉस स्टिक लगाई हूँ। एक मेरा पोंछा ख़राब हो गया था, तो उसी पोंछे में मैं एक डोरमेट को बांध कर और इसका मॉस स्टिक बनाई हूँ। और ये धीरे धीरे काफ़ी इसको कवर कर लेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा बाद में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, पूरा फूलों से भरा है। आज तो 7-8 फ्लावर आए हैं, लेकिन कल इसमें और भी ज़्यादा आएगा। काफ़ी कलियाँ बनी हुई है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा फ्लावर है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर है। देखिए, मेरे पास वाइट भी था, लेकिन उसका सीड कहीं मेरे कंपोस्ट में गिर गए हैं। लेकिन ये ब्लू कलर है इसका। और देखिए, ये छोटा सा इसमें मोगरा का कटिंग लगाई थी मैं एलिफेंट प्लांट में, तो देखिए ये भी काफ़ी खिल गया है और कितना लंबा लंबा हो गया है। ये एलिफेंट प्लांटर है मेरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोनों मैं अपने एंट्री गेट पे रखी हूँ। देखिए, फूलों से भरा हुआ है अपराजिता। इसका नाम भी अपराजिता है और इसका फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। और ये तो काफ़ी खिल रहे हैं मेरे घर सदाबहार, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब मैं मेन गेट पे रखी हूँ और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इसको देख के जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, गुडलक है। इसको मैं ट्रांसप्लांट की थी तो आप लोग से दिखाई थी, और इसमें जो भी मैं अश्वगंधा का सीड डाली थी सब ग्रो हो गए हैं। तो अश्वगंधा भी बहुत अच्छा प्लांट है, सभी के घर में लगाना चाहिए। इन सब पौधों को काफ़ी शुभ माना गया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, देखिए काफ़ी मॉस स्टिक को कवर कर लेगा तो और अच्छा लगने लगेगा। देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका फ्लावर। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और ये मैं हमेशा अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाऊँगी, और आप बस हमारे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करके बताइए। अगर मेरे में कमी है तो उसको भी बताइए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट करते रहिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर प्लांट को मैं वीडियो दिखाते रहूँगी और हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा दूर से वीडियो ले ली हूँ, नहीं तो और भी अच्छा लग रहा है पास से। और देखिए, कलियाँ पूरा भरी हुई है। और देखिए, ये मोगरा काफ़ी कलियों से भरा हुआ है छोटा छोटा प्लांटर में, तो इसको भी मैं अपने टेरिस पे ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे लंबे ब्रांच हो रहे हैं इनके और धूप भी बहुत कम आ रहा है यहाँ पर। ये सब फ्लावर फुल सनलाइट के हैं, तो इनको पूरा सनलाइट होना लगना ज़रूरी है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये अपराजिता, पूरा फूलों से भरा हुआ है। पता नहीं आज कितने फ्लावर खिले हैं इसमें, देखिए बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए अश्वगंधा,
और सदाबहार खुद से जगह जगह निकल रहे हैं और इनमें काफ़ी फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देसी हैं तो इन बिना फर्टिलाइज़र के भी ये खिलते रहते हैं। ऐसे सब में मैं बनाना पिल्स फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।